हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू टैलेंट क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मैथमेटिक्स। आज से हम जो हम लोग का नया चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होता है? ऐसे त्रिकोणमिति को हम लोग जानते हैं जहाँ पर तीन कोण मिलते हैं। आप देख रहे हैं, एक एंगल ए है, एक कोण आपका ए है, दूसरा बी है, तीसरा आपका सी है। जब ये तीन कोण मिलते हैं तो त्रिकोण बनता है। क्या बनता है? त्रिकोण। उसी त्रिकोण को ही हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। यानी तीन एंगलों से बनी जो आकृति होती है उसको हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब इसे इसकी स्टार्टिंग जो होती है, इसकी स्टार्टिंग लाल बटे कक्का से हम लोग करते हैं। एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्री आपकी है, इसमें हम लोग बेस ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। आज पार्ट वन में पहले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे उन लोगों तक भी हमारा चैनल पहुंचे जिनको हमारे चैनल की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं लाल बटे कक्का की। ठीक है, कक्का तो हमने नाम सुना, गाँव में सुना ही होगा, लाल मतलब लाल कलर। लाल बटे कक्का की बात करते हैं। ये लाल बटे कक्का चलता है आपके राइट ट्रायंगल से। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, राइट ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग कर्ण बोलते हैं, के। ठीक, इसका दूसरा नाम भी होता है, दूसरा नाम क्या होता है? हाइपरबोला। क्या होता है? हाइपरबोला। ओके सर, फिर हमारा इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। यानी इसे बी से शो करते हैं, बेस है। अब यहाँ पर बेस का दूसरा नाम हमारा क्या हो जाएगा? आधार। आधार को ए से शो करते हैं। ओके सर, फिर हमारा ये क्या है? लंब है, इसे एल से शो करते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? पी, यानी परपेंडिकुलर। आप देखिए, सबसे पहले जो राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट कौन होती है? लॉन्गेस्ट कॉर कौन होती है? लॉन्गेस्ट साइड कौन होती है? कण होती है। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर क्या है? कण, के, यानी हाइपरबोला। क्या है? हाइपरबोला। अब इसमें हम बात करते हैं सबसे छोटी साइड कौन सी होती है? बेस होती है, यानी ए। लाल बटे कक्का में क्या होता है? जो त्रिकोण में तीन रेशियो दिए हुए हैं, इनको हम कैसे रखते हैं? ये हमारा साइन हो जाएगा ऐसे, ये हमारा कॉस हो गया, ये हमारा टेन हो गया। अब साइन का अपोजिट आपका कॉसेक हो जाएगा, कॉस का अपोजिट आपका सेक हो जाएगा, टेन का अपोजिट आपका कॉस हो जाएगा। ठीक है सर, अब इनसे हमारे फार्मूले निकल के चले आएंगे। ये फार्मूले का यूज होगा कहाँ? यूज होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। साइन थीटा, देखिए एंगल त्रिकोणमिति में एंगल चेंज होते हैं, एंगल चेंज होते हैं, लेकिन कभी त्रिकोणमिति अनुपात चेंज नहीं होता है। अभी यहाँ पे मैंने थीटा लिखा, कहीं पर आपको फाई लिखा मिलेगा, कहीं आपको अल्फा लिखा मिलेगा, कहीं आपको बीटा लिखा मिलेगा, कहीं आपको गामा लिखा मिलेगा। तो इससे हम बात करते हैं साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा? एल अपॉन के हो जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ए अपॉन के हो जाएगा। फिर आपका टेन थीटा क्या हो जाएगा? एल अपॉन ए हो जाएगा। कॉस थीटा पर क्या हो जाएगा? ए अपॉन एल हो जाएगा, अपोजिट हो गया। कॉसेक थीटा पर क्या हो जाएगा? के अपॉन एल हो जाएगा। फिर आपका सेक थीटा क्या हो जाएगा? के अपॉन ए हो जाएगा। अब आपको कोई भी क्वेश्चन बना, उसमें आपको दो साइड दी गई, तीसरी साइड आपसे पूछी जाएगी तो कैसे निकलती है, ये फार्मूला कैसे यूज होता है। इस फार्मूले से तो फिगर आपको क्लियर हो जाएगा कि साइन थीटा दिया गया, साइन थीटा को 3/5 दी गई। मान लो सपोज दैट, मान लीजिए साइन थीटा की वैल्यू आपको 3/5 दी गई है। ठीक है, और आपसे कहा जाता है कि कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। किसकी वैल्यू फाइंड कर दीजिए? कॉस थीटा की। साइन थीटा का फार्मूला लाल बटे कक्का से क्या आ जाएगा? एल अपॉन के हो जाएगा। मतलब आपको लंब दिया गया और कर्ण दिया गया है। ठीक है, यानी एल का दूसरा नाम क्या? परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू दी। आपको के का दूसरा नाम क्या? हाइपरबोला। आपको हाइपरबोला की क्या दी हुई है? वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पर इसमें आपको बेस निकालना है, तो बेस आप कैसे निकालेंगे ये जानना है। इस फार्मूले से तो आपने जान लिया कि क्या चीज दी गई है, परपेंडिकुलर दिया गया कि हाइपरबोला दिया गया कि आपको बेस दिया गया। ठीक, अब देखिए इसके लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। आपने क्लास 6, 7, 8 में आराम से बहुत अच्छे से यूज की होगी। देखिए जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, उस थ्योरम का फार्मूला क्या होता है? हाइपरबोला स्क्वायर, मतलब अभी हमने यहाँ पर लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग लिया है तो के स्क्वायर इक्वल एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। इसी का दूसरा नाम क्या आपका हो जाएगा? हाइपरबोला का स्क्वायर एच का स्क्वायर इक्वल एल की जगह क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट,
अब देखिए हम लोग बात करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम भी इसका यूज वहीं करेंगे जहां पर आपको दो चीज दी होंगी, तीसरी चीज आपसे पूछ रहा होगा कि कहां पर, सिर्फ वहां पर बात हो रही होगी हाइपरबोला की, परपेंडिकुलर की या बेस की, और इन तीनों में कोई एक आपको निकालना होगा तब आपको करना होगा। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ हमारे और फार्मूले हैं जो आपके बेसिक में काम आते हैं। कॉस थीटा का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, 1/sin θ हो जाएगा। फिर आपका sec थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/cos θ हो जाएगा। फिर tan थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, sin θ/cos θ होता है। उसके बाद आपका जो इस टाइम cos थीटा का फार्मूला होगा वो क्या होगा, cos θ/sin θ हो जाएगा। अब आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का दे थीटा की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इतनी तो बात वो क्लियर हुई होगी, ये हमारे कुछ फार्मूले थे। अब उसके बाद लोग इससे बात करते हैं, अब एक क्वेश्चन लेते हैं ठीक है, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे सपोज हमने एक क्वेश्चन ले लिया, हमने क्या किया, हमने एक क्वेश्चन लिया। अब इस क्वेश्चन में जैसे हमें यहीं पर दिया हुआ साइन थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, ये क्वेश्चन में 3/5 दी हुई है, और कॉस थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए 3 क्या लंब है और 5 क्या कर्ण है, मतलब 3 क्या आपको 3 की वैल्यू कितनी दी है, 3 लंब दे दिया गया आपको, कर्ण आपको 5 की वैल्यू दी है। अब आपसे क्या निकालना, बेस निकालना ना आपको, ये मतलब बी की वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखिए आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम आपने यूज किया, फार्मूला आपका क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ठीक है। अब देखिए कर्ण आपका कितना दिया, 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब आपका कितना दिया, 3, 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर हो गया आपका। आप वेरिएबल एक तरफ कर लीजिए, नॉन वेरिएबल आप एक तरफ कर लीजिए, तो 25 - 9 इक्वल ए स्क्वायर आपका। 25 में 9 सबसे क्लियर, 16 इक्वल ए स्क्वायर आपका आया, तो 4 का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। आप देखिए आपने क्लास में अगर स्क्वायर याद किए होंगे तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो देखिए हर चीज कैलकुलेशन में यूज होती है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप हमें हर चीज को तैयार करना चाहिए। आप देखिए जिन स्टेप ने क्लास में स्क्वायर अच्छे से लर्न करे उनके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, जिन्होंने नहीं लर्न किया आज उनको 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि आप यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक आप नहीं कर पा रहे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हर चीज को आपको समझना कि कहाँ कहाँ कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक कौन सा चैप्टर कैलकुलेशन बनता जाते हैं। तो देखिए आपका 4 का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर है, तो आपकी ए की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई ना, आपको ए की वैल्यू 4 में ले गई। अब आपको निकालना है क्या था, cos थीटा, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लाल लाल बटे का अकॉर्डिंग आधार बटे कर्ण होता है ना, बेस अपन हाइपरबोला होता है, तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना आपका 4 है और कर्ण कितना आपका 5 है, ये आपका क्या गया आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक नंबर के जरूर मिलेंगे, वो आप कर सकते हैं आराम से इन फार्मूलों को लगा के। फिर हम लोग बात करते हैं दूसरा भी क्वेश्चन एक लेते हैं, जैसे इधर जो फार्मूले लिखे थे उस पर हम लोग बात करते हैं। जैसे सपोज ले लेते हैं, हमें दे दिया यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू हमको दे दी 1/5 दे दी ठीक है, और हमसे कॉसेक थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है, किसकी वैल्यू पूछी रही, कॉसेक थीटा की। तो देखिए कॉसेक थीटा का फार्मूला अभी हमने क्या लिखा था, लिखा था 1/sin θ लिखा था नहीं लिखा था, तो बस साइन थीटा की वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो 1/1/5, तो 5 का इस 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 5/1 मतलब कॉसेक थीटा वैल्यू क्या आ गई, 5, ये आपका आंसर आ गया। आप इस टाइप भी कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन एक ये भी बन जाते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए tan θ की वैल्यू आपको दे दी गई 3/4 दे दी है ठीक है। अब tan θ की वैल्यू आपको 3/4 दी हुई है, 3/4 ना ले, हम ले लेते 4/3 ले लेते ठीक। अब देखिए हमसे कहा जा रहा है कि cos θ की वैल्यू निकाल लीजिए, किसके लिए निकाल लीजिए, cos θ की। देखिए cos θ का फार्मूला होता है क्या होता है, एक होता है 1/tan θ, क्या होता है 1/tan θ। अब वैल्यू रख दीजिए तो 1/4/3, 3 का इस 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 3/4, ये आपका क्या आ जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा। तो इस पार्ट 1 में आप इस टाइप के क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हैं। अगर आपको कोई एनी प्रॉब्लम होती तो कमेंट कीजिए, ईजी एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हो चुकी ट्रिग्नोमेट्री में, और मौके को जाने न दीजिए ठीक है, क्योंकि टेलिंग क्लासेस हमेशा इस के लिए बहुत अच्छे से नई तरीके लेके आया है। बस आप अपनी प्रॉब्लम को एक कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे आपकी प्रॉब्लम को देखा जाएगा और जल्द से सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।